तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू रोन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ ही समय बाद मैं जीएस फर्स्ट जो पेपर हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है 2021 वाला, यानी कि आज 10 अक्टूबर को, उसकी कुछ ही समय बाद मैंने आंसर की लाने का आपसे वादा किया था और मैं हाजिर हूँ आपके सामने इस आंसर की को लेकर। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए हम इस आंसर की को सोल्व कर इस पेपर को सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शंस हैं, समता के अधिकार का, राज्य के नीति निदेशक तत्व का, स्वातंत्र्य का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले दूसरे तीसरे के हिसाब से चलेंगे, तो पहले पहला करेंगे, उसके बाद दूसरा, फिर इधर से आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन है हमारे पास, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, वह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह न तो मूल अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक स्थिति संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की, या चौथा ऑप्शन इसका जो है वो मिटना हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो चौथा ही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही सही है। डी इसमें है नहीं, सिक्स का तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, जो ऑप्शन यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी इसका सही जवाब लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, संविधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, या कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कुई पद किससे संबंधित हैं? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप से, वाद्ययंत्र से, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला से, जनजातीय भाषा से। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनजातीय भाषा से। पाँचवें का भी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। सही है बिल्कुल। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित थी, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन कथनों में से पहला और दूसरा सही जो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सेवन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, कथन एक है, कथन दो है और उसके बाद ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में कह रहा है कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं, या कथन दो कथन एक सही व्याख्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेवन का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों ही सही हैं और कथन दो जो है वो कथन एक की सही व्याख्या है। एट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए लोरियंस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिए हुए हैं और उसके बाद उसका आंसर पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर ही मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। एट का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ये यहाँ पर छिपा हुआ है, आप याद रखेंगे एट का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो एक और न ही दो, ठीक है फ्रेंड्स। 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं और इसका आंसर पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 10 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
इलेवंथ क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेवंथ में भी ऑप्शन हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं और उसके बाद उसके ऑप्शन हैं, तो इलेवंथ का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। या इसका मतलब यह है कि पहला जो कथन है वो सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जो है इसके कथन दिए हुए हैं भारत के संबंध में, उनके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों, ये सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में जो है सिर्फ आंसर मिल रहे हैं क्वेश्चंस के, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं। यदि आपको इसकी व्याख्या चाहिए तो व्याख्या भी मिल जाएगी सही रूप से। आप कमेंट करके बता दें कि क्या आपको इसकी व्याख्या भी चाहिए, आपको समझने भी है कि किस प्रकार से सत्य है, किस प्रकार से आंसर लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही हो सकता है गलत हो जाए, तो उसके लिए अभी से मैं आपको सॉरी बोलता हूं। और उसके जो सही जवाब आपको पता हो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 क्वेश्चन भी यही है और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो, दूसरा कथन सत्य है। दूसरा कथन पर पढ़ लेते हैं। कथन है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, राज्य सरकार के अपने अलग नियम होते हैं किसी भी कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण का कार्य करता है, केंद्रीय अभिकरण है। तो ऑप्शन हमारे पास ए बी सी डी इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विचार किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। इसके संविधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, तो इस प्रकार का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। ऑप्शन से अनुच्छेद 14, 28, 32 और 44। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 32 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 32 सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। ऑप्शन से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, संघ की विधायिका के संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, या मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघ की विधायिका के संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है राज्य को। तो ऑप्शन है ए बी सी, और राज्य की परिभाषा पूछ रहा है कि कौन सा जो शब्द है वो राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को, जो कि राज्य के विषय में कहा गया है। यह है, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ये जो परिभाषा दी गई है ये राज्य के लिए दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यानी कि 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, उसके बाद ऑप्शन हैं, उन्हीं ऑप्शन में से हमें आंसर बताना है। तो इसका जो 18 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो, यानी कि दूसरा कथन सत्य है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में। अब कथन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन कथनों के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3। जो कथन 1 और 3 था, पहला और तीसरा कथन था, वो दोनों कथन सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि निर्वाचित सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन की आंसर की थी, जो कि बहुत ही कम समय में मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आगे के जो भी क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन अभी हमारे पास शेष बचे हुए हैं, उनकी भी आंसर की आपको बस कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए अभी अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कुछ भी आपको समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है या फिर कुछ भी आपको हमें सजेशन देनी है, तो आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। और कोई सा भी ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग गलत है, जो मैंने बताया है वो आपको लगता है कि गलत है, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके सही आंसर बता दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली आंसर की के साथ।